एक आइडिया जो बदल दे आपका दुनिया, ये जो लाइन है ये हम लोग सुना करते थे एडवर्टाइजमेंट में, मगर अभी जो दुनिया है ये दुनिया थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। एक आइडिया नहीं, दो आइडिया जो बदल दे आपका दुनिया। आप बोलेंगे दो आइडिया जो बदल दे आपका दुनिया, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? बताते हैं। तो पहला जो आइडिया है उस पे पहले आते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो एक आइडिया चाहिए आपको अमीर होने का, मगर ये आइडिया क्या है? ये आइडिया ऐसा कोई क्रिएटिव आइडिया होने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक आइडिया से भी या फिर किसी का आइडिया कॉपी पेस्ट करके भी आप आगे जा सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कैसे? एक एक करके स्टेप बताते हैं। पहले आपको ढूंढना पड़ेगा फाउंडर। फाउंडर मतलब जो आपके साथ, आपका ये जो आइडिया है उसमें आपका साथ देगा, एक पार्टनर या फिर फाउंडर कुछ भी कह लीजिए, ऐसा किसी को ढूंढिए। फिर उसको पूरा जो गेम है उसको एक्सप्लेन कीजिए और बोलिए कि भाई आ जाओ मेरे साथ, तुमको भी मेरे साथ अमीर बनना होगा एटलीस्ट 3-4 साल में। तो वो बोलेगा हाँ भैया, बिना इन्वेस्टमेंट का अगर होगा तो जरूर हम लोग आपके साथ है, हम भी अमीर बनेंगे, आप भी अमीर बनो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद करना पड़ेगा फॉर्म एक कंपनी का। कंपनी हाँ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर कोई LLP फॉर्म कर लीजिए और उसके बाद शुरू कीजिए आपका बिजनेस। बिजनेस क्या बिजनेस करना है भाई? मुझे तो पता नहीं क्या बिजनेस करना है, मगर बिजनेस करना है इसलिए कंपनी फॉर्म करना है। सही बात है। तो जो भी बिजनेस करना है उसके लिए चाहिए आपको एक आइडिया, एक प्लानिंग। किसी से भी कॉपी कर लीजिए, या फिर अगर कॉपी नहीं होता है, अगर आप इतना क्रिएटिव है ठीक है भाई, खुद का जो आइडिया है उसको यूज कीजिए और बिजनेस तैयार कीजिए। एक बिजनेस का आइडिया लीजिए, एक अच्छा सा मार्केटिंग को हायर कीजिए, तो मार्केटिंग का जो बंदा है वो आपको पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग या फिर पूरा जो प्रोजेक्ट है वो बना के अच्छी तरह से आपके सामने लाके देगा। हो सकता है कि उसके पास पहले से ही रेडी है या फिर उसके पास एक कॉपी किया हुआ है दूसरा कुछ आइडिया जो आपको वो देगा, और उसके लिए वो चार्ज करेगा थोड़ा सा अमाउंट। तो वो आइडिया लेके अब आपको करना है एक इन्वेस्टर को ढूंढना है। कोई भी एक इन्वेस्टर को ढूंढिए और उसको बोलिए कि भैया देखिए, आप अगर बैंक में पैसा रखते या फिर दूसरा कोई बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते तो आपका पैसा डबल होने में कितना टाइम लगता है? आगे वाला बोलेगा भैया डबल, बैंक में तो 5-4 साल लग जाता है, दूसरा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी भैया बहुत टाइम लगता है। ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम लोग 2-3 साल में आपको डबल करके देंगे। कैसे भैया? सुन के थोड़ा सा लग रहा है ना हेराफेरी जैसा, ऑब्वियसली सबको लगेगा, मगर ये ऐसा ही गेम है कि पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाएगा। 23 दिन में डबल नहीं होगा मगर डबल होगा। बहू भैया ये सब पैसे का खेल है। अब क्या किया? अब उसको बोले कि भैया आप हम लोग का जो कंपनी है उसमें 10% का मालिक बन जाओ, मतलब 10% शेयर होल्डिंग आपके नाम में ट्रांसफर होगा और आप हम लोग को 10 करोड़ दे दो। जैसे आपको 10 करोड़ मिल गया तो आप क्या किए? आप 10% जो है उसके नाम में ट्रांसफर कर दिया, फिर अपना कंपनी का जो काम है वो शुरू किया। पहले ही आपके पास मार्केटिंग का बंदा था और वही बंदा आपके लिए करेगा काम, मतलब पूरा जो पैसा है उसका 20% रख दीजिए और रिमेनिंग जो 80% है उसको पूरा मार्केटिंग में झोंक दीजिए। जैसे जितना भी सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, जो जो भी अवेलेबल है, जहां भी SEO करना है आपका साइट का, सब कुछ कर लीजिए। पूरा मार्केटिंग में आप पैसा देने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसमें से 20% इन्वेस्ट कीजिए। कैसे इन्वेस्ट करना है भाई? इन्वेस्ट तो बहुत इजी करना है, आप बस इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाइए और इतना अगर मार्केटिंग होगा तो आपका प्रोडक्ट तो बिक ही जाएगा। तो ठीक है, 1 साल का जो टर्नओवर है वो आपके पास आ गया। उसके बाद आपने क्या बोला कि भाई देखो, मेरा तो पहला साल जो था वो सेल 0 था, अभी मेरे पास सेल का फिगर आ गया। सही बात है, मेरा पहला जो वैल्यूएशन था वो 100 करोड़ का वैल्यूएशन था, क्योंकि 10% मैंने दिया था 10 करोड़ के हिसाब से। अब ये जो वैल्यूएशन है ये 500 करोड़ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास सेल है और यही सेल दिखा के मैं किसी और को चिपकाऊंगा, ये सेम आइडिया। फिर उसको कॉपी पेस्ट किए, फिर आपके पास आपका जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हो गया 500 करोड़। 500 करोड़ जैसे आज, फिर इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, फिर से आप मार्केटिंग में खर्चा कीजिए और थोड़ा सा पैसा आपका जो प्रोडक्ट है उसमें खर्चा कीजिए, वो भी आप सेल कर दिए। क्योंकि इतना ज्यादा अगर आपका एड होगा तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि भाई क्या ब्रांड है, एक खरीद के देख ही लेते क्या है नहीं है, ब्रांड में दम हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता। आपका व्यू क्या रहेगा? आपका व्यू रहेगा कि भाई मुझे सिर्फ अपना जो वैल्यूएशन है कंपनी का वो बढ़ाते जाना है। अगर आप वो बढ़ाते जा सकते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो बढ़ता जाएगा, अगर आप वो बढ़ा नहीं सकते तो तब जाके आपका प्रॉब्लम आया। और यही सेम चीज 3rd year 4th year अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पास जाके आपका जो कंपनी है वो वैल्यूएशन में कभी 4,000 या 5,000 करोड़ का बन सकता है अकॉर्डिंग टू यू। इट्स नॉट लाइक बाहर कोई बोल रहे, आपके तरफ से जो फंडिंग हुआ है उस हिसाब से और जो सेल हुआ है। फर्स्ट जो आपका इन्वेस्टर था, अगर आप चाहे उनको जो है उसको रिटर्न दे दीजिए, फिर वो निकल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकला तो भगवान जाने उन लोगों का फ्यूचर में क्या होने वाला है। और ऐसा सेम प्रोसेस आप कंटिन्यूअस फॉलो करते जाइए जब तक आपको फंडिंग मिल रहा है। अगर एक जगह जाके आप
आपका ये जो फंडिंग है ये हो जाएगा सैचुरेटेड, क्योंकि बाजार से आपको पैसा नहीं मिलेगा। हर कोई पूछेगा, भैया सब कुछ तो समझे, आप 4-5 साल से बिजनेस कर रहे हो, भैया प्रॉफिट क्या है कंपनी का? भैया प्रॉफिट तो नहीं है, मगर कंपनी का जो वैल्यूएशन है, मेरे पास 5,000 करोड़ का कंपनी बन गया। मेरा जो कंपनी है वो 5,000 करोड़ का है। भैया 5,000 करोड़ में आप 5 करोड़ तो प्रॉफिट किए? नहीं भैया, वो तो नहीं किया, पेपर में भी नहीं दिख रहा है। भैया प्रोडक्ट जो है वो आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, आप 5,000 करोड़ का है तब तो प्लांट भी सही सकते हैं, आपने तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग। नहीं भैया, वो मैन्युफैक्चरिंग जो है हम लोग खुद नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। सही बात है, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, आपका कुछ प्रॉफिट नहीं है, मगर आपके पास 5,000 करोड़ का कंपनी है। लास्ट 5 साल से आप काम कर रहे हो, मगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? भैया आप क्या बोले, कुछ नहीं है मतलब मेरा जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो 5,000 करोड़ है। सही बात है, मगर भैया मुझे तो अभी पैसा चाहिए, आप थोड़ा सा फंडिंग कर दो। आप बोलेंगे, भैया फंडिंग तो नहीं मिल सकता, इस हिसाब से आगे वाला जो भी इन्वेस्टर होगा उसको पता चल जाएगा कि कंपनी एग्जैक्ट किस हालत पे, इसलिए आपको फंडिंग नहीं मिलेगा। तब आप क्या सोचेंगे कि भैया यहाँ से अगर फंडिंग नहीं मिल रहा है, कोई इन्वेस्टर फंडिंग नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे आगे? सही बात है। तो अब आते हैं सेकंड आइडिया पे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि दो आइडिया जो बदल दे आपका दुनिया, अब आते हैं सेकंड आइडिया पे। पहला वाला पार्ट हो गया जो कि काफी कॉमन है। सेकंड आइडिया में मेन बात है, अगर आपको बाहर से कोई फंडिंग नहीं मिल रहा है तो आप सोचेंगे भाई अब क्या करना है। भाई अब तो एक बढ़िया सा सीए चाहिए, साथ ही साथ बैंक के साथ अच्छा टाई अप चाहिए, और उसके बाद हम लोग लाएंगे अपना आईपीओ। आईपीओ मतलब पैसा जो है वो तो भाई पब्लिक का मिलेगा, और साथ ही साथ हम लोग जैसे कंपनी चला रहे थे उस हिसाब से अपना चलता जाएगा, अपना कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड हम लोग का जो चल रहा है वही गेम अभी भी चलता जाएगा, कुछ देर बाद हम लोग जाके एग्जिट कर लेंगे और अपना अपना जो शेयर होल्डिंग का प्राइस है वो भी मिल जाएगा। भाई मैंने तो इन्वेस्ट कुछ नहीं किया, सिर्फ दिमाग लगाया और 4-5 साल में मेरे पास इतना पैसा आ गया। तो इसे कहते हैं सुपर आइडिया। एक नहीं दो सुपर आइडिया के यूज करने के बाद आप बन गए करोड़पति। ऑन द अदर हैंड दूसरा जो इन्वेस्टर है, अगर लोग चाहे तो वो भी एग्जिट कर सकते हैं। सबको अपना जो पैसा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट मिल गया, सब कुछ हो गया, और जो लॉस है वो चला गया जनता जनार्दन के पास। जनता जनार्दन जो हम लोग लॉस किए वो भर लिया, कोई अपना आईपीओ लाओ और उसमें हमको हेल्प करो। तो ये था एक फंडा, एक स्टोरी जो मैं आपको अभी तक बोल रहा था, कैसा दो आइडिया मिलके आपको अमीर बना सकते हैं। मगर इसमें भी एक गेम है, इसमें ये गेम है कि अगर आप आईपीओ लेने जा रहे हैं तो उस टाइम में आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि भाई आपका कंपनी प्रॉफिट में क्यों नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर प्रॉफिट है तो इतना कम क्यों? दूसरा है, आप जितना वैल्यूएशन मांग रहे हो उतना आपका वैल्यूएशन है या नहीं? तीसरा है, आपका जो प्रोडक्शन है तो वो प्रोडक्शन आपका इनहाउस है या नहीं? तो ऐसा बहुत सारा जो क्वेश्चन है आपको सामना सामने होना पड़ेगा। और यही सेम चीज हुआ, बहुत सारा कंपनी जो है इंडिया में देखा जाता है वो लोग आईपीओ लाता है। कोई कोई कंपनी आईपीओ लाने में सक्सेस भी हो जाते हैं, मगर उसके बाद जाके देखता है आईपीओ का जो प्राइस है वो एकदम घट जाता है। मतलब क्या हुआ, सबको अपना पैसा मिल गया, उल्टा पब्लिक जो पैसा इन्वेस्ट किया था, पब्लिक का जो पैसा है वो आधा हो गया। पब्लिक सोचता है भाई आज आधा हुआ है, कल डबल हो जाएगा, परसों डबल हो जाएगा, ऐसा सोचते सोचते साल बीत जाता है, मगर पब्लिक का पैसा कभी डबल नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे किसका जाता है? भाई पब्लिक का जाता है। पब्लिक का जो पैसा है वो हर कोई लूटता है। दूसरा साइड में जो फाउंडर था वो पहले ही अपना जो शेयर है वो बेच के निकल जाता है किसी और को कोई नया स्कीम चिपकाने के लिए। तो ये जो कहानी है ये दुनिया भर में हर जगह चलता रहता है। अगर जब आईपीओ आता है तब कंपनी को ठीक है हम लोग नहीं देखते कि कंपनी क्या है, कंपनी का एग्जैक्ट स्टेटस है। अब आते हैं कहानी का थर्ड पार्ट में। नहीं ये कोई आइडिया नहीं है, ये है एग्जैक्ट जो हुआ है इंडिया में उसी का एक एग्जाम्पल। तो एक FMCG कंपनी है जो हम लोग का वन ऑफ द फेमस शार्क। इस कंपनी का अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें कि भैया क्या मूवमेंट था या फिर क्या हुआ, तो हम लोग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है कि भाई आईपीओ में क्या होता है और हम लोगों को कैसे, हम लोग जो नॉर्मल पीपल है हम लोगों को कैसे बुद्धू बनाया जाता है। ये कंपनी का अगर हम लोग बैलेंस शीट चेक करें, अगर हम लोग टर्नओवर चेक करें, हम लोग चेक करें कि कितना प्रॉफिट है, तो हम लोग को पता चल जाएगा ये कंपनी कैसे हम लोग को उल्लू बनाने का कोशिश कर रहा था। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2020 में ये कंपनी का सेल था 114 करोड़, जिसमें अगर हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस देखे तो देखेंगे कि 442 करोड़ का लॉस हुआ था। तो सोचिए 114 करोड़ का सेल करने में 442 करोड़ का लॉस, मतलब लगभग 3 गुना। आप एक सामान बेचने में आप 3 सामान का जो है लॉस कर रहे हो। वही कंपनी 2021 में आके 472 करोड़ का सेल किया, और यही 472 करोड़ का सेल करने में ये कंपनी लगभग 3 गुना, क्योंकि 114 करोड़ पहले था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये बन गया 470 करोड़। इसके बीच में बहुत सारा फंडिंग उठाया
और यही 472 करोड़ का सेल करने में कंपनी में लॉस किया 1,332 करोड़। तो सोचिए हर बार ये जो है ये रेशियो लगभग 3 गुना के आसपास आ रहा है कि आप भाई आप एक सामान बेच रहे हो आप 3 लॉस कर रहे हो, बीच में आप इन्वेस्टर से फंडिंग उठा रहे हो, फिर जाके भी आपका लॉस हो जा रहा है। पहला साल ये बेचा 114 करोड़ जिसमें लॉस हुआ 442 करोड़, सेकेंड साल ये बेचा 472 करोड़ जिसमें ये लॉस किया 1,332 करोड़। और 2022 के बाद ये कंपनी का प्लानिंग था कि भाई हम लोग आईपीओ लाएंगे, हम लोग पब्लिक का जो पैसा है वो उठाएंगे और कंपनी को आगे ले जाएंगे। सही बात है, मगर अगर आईपीओ लाना है तो आपको प्रॉफिट दिखाना होगा, वरना आपसे 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। तो अचानक से क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है। उसके बाद 2021 और 22 के बीच में बहुत सारा फंडिंग उठाया और उस फंडिंग के बाद ये कंपनी अचानक से 964 करोड़ का सेल किया। तो सोचिए पहले था 472 करोड़, अभी वो हो गया 964 करोड़, लगभग दुगना के आसपास। बीच में ये फंडिंग उठाया, मगर इतना अगर सेल हो रहा है, लास्ट ईयर आपका लॉस था 1,332 करोड़, इस साल आके आप अचानक से आ गया प्रॉफिट में। भाई प्रॉफिट में आ गया, कंपनी तो अच्छा है, क्या बोल रहे हैं आप? बोलेंगे भैया अच्छी बात है ना, कंपनी 2 साल मेहनत किया, अच्छा मार्केट किया, फिर उसका जो सामान है वो बिकने लगा और उसमें कंपनी आ गया प्रॉफिट में। सही बात है भाई, कितना प्रॉफिट किए हो भाई? 964 करोड़ का सेल के बाद कंपनी ने प्रॉफिट किया है 14 करोड़। 964 करोड़ का सेल, उसमें 14 करोड़ का प्रॉफिट, तो कंपनी 3 साल में इस जगह में आया। अब ये कंपनी चाहता है कि भाई मुझे आईपीओ में घुसना है, मेरा आईपीओ निकालना है। तो जब सेवी ने ये कंपनी से पूछा भाई आपका जो डेटा है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक बार बात करो तो देखते हैं क्या क्या है, तो ये कंपनी थोड़ा सा पीछे चला गया। और अभी जाके ऐसा हालत है कि आईपीओ जो ला रहा था बोल रहा था भाई अभी तो सिचुएशन अच्छा नहीं है, मार्केट सही नहीं है, इसलिए हम लोग अभी आईपीओ नहीं लाएंगे। अंदर में क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, मगर ये जो है ये डेटा है। तो आप बोलेंगे भाई आप अजीब बात कर रहे हो, पहला साल दूसरा साल तो मेहनत करता है कंपनी, तभी जाके ग्रो करता है, तभी जाके प्रॉफिट आता है। सही बात है, तो थोड़ा सा और जो डेटा है वो डिटेल्स में चेक करें और पता करने का कोशिश करते हैं कि कंपनी ने कितना मेहनत किया और कंपनी एग्जैक्ट क्या कर रहा था लास्ट 3 साल में। तो आईपीओ ने ये कंपनी बोला था हम लोगों का जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो है 24,000 करोड़। सोच सकते हैं आप, 24,000 करोड़ का एक वैल्यूएशन क्लेम किया गया था। तो इससे पहले जो लास्ट राउंड में ये कंपनी पैसा उठाया था इन्वेस्टर के पास से, तो उसमें एक बार देख लेते कंपनी का वैल्यूएशन क्या था। 24,000 करोड़ का आईपीओ लाने वाला जो कंपनी है उसका लास्ट जो फंड रेज हुआ था वो है 10,000 करोड़। अब सोच सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, एक साल के अंदर तुम्हारा सेल क्या है या फिर तुम्हारा प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट तो भाई आपके पास सिर्फ 14 करोड़ का है। ऑन द अदर हैंड एक साल के अंदर तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा जो है 10,000 करोड़ से वो 24,000 करोड़ आपका बन गया कंपनी का वैल्यूएशन का? अगर रीजन हम लोग ढूंढने जाए तो कोई भी आंसर हम लोग को नहीं मिल रहा है। अचानक से एक कंपनी जो कंपनी फंड रेज कर रहे 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन में, एक साल के अंदर में सिर्फ 14 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर इसका वैल्यूएशन बढ़ गया 24,000 करोड़ में। क्या ऐसा हो सकता है? और यही 24,000 करोड़ जब आएगा उससे पहले जितना भी ये इन्वेस्टर है, जितना भी ये फाउंडर है, ये हर कोई अपना जो शेयर है वो बेच के निकल जाएगा, साथ ही साथ पब्लिक का जो पैसा है वही डंप हो जाएगा। पंप एंड डंप प्रोसेस इसे ही कहते हैं कि भाई पहले पंप करो, उसके बाद जब पंप हो गए ऐसा हो गया कि भाई और पंप नहीं हो सकता है, तब दुनिया को डंप करो। यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है आईपीओ में। बहुत सारा कंपनीज है जो ये सेम प्रोसेस फॉलो करके पब्लिक का जो पैसा है उसको ले भागता है। तो आप बोलेंगे भैया आप तो हमेशा नेगेटिव बोलते हो, ऑब्वियसली कंपनी का डेटा आप पहले बताओ उसके बाद हम लोग ट्रस्ट करेंगे कि भाई ऐसा सही हुआ। आपने एकदम सही बोला भाई, डेटा बताओ। डेटा जो है वो मेन बात करते हैं कि कंपनी एग्जैक्ट किस कंडीशन में। आज के डेट में अगर हम लोग दूसरा कंपनी का पीई रेशियो देखें, जैसे कि आईटीसी का 23 आता है, डाबर का 54 आता है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 62 आता है, मगर ये जो कंपनी है जो आईपीओ लाने वाला था, कंपनी ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल पुराना है, आईपीओ लाने से पहले इसका जो पीई रेशियो था ये 1700 मतलब 1700 का। आप समझ सकते हैं कि कंपनी का डेटा क्या कह रहा है भाई, 3 गुना है अदानी से। हम लोग बोलते हैं अदानी ने स्कैम किया, ये किया, वो किया, कमेटी बिठाओ, पार्लियामेंट में जो काम है वो सब ठप कर दिया, क्योंकि अदानी के खिलाफ जो है जांच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड जो कंपनी अदानी से 3 गुना आगे निकल गया पी रेशियो में, उसके खिलाफ तो कोई बात ही नहीं कर रहे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब आते हैं सेकेंड डेटा पे। सेकेंड डेटा है
रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट मतलब ROAS। हर कंपनी का जो ROAS है वो टाइम टू टाइम ग्रो करता है कि भाई एक रुपया खर्चा किया कल जाके एक रुपया का सेल हुआ, नेक्स्ट 6 महीने बाद अगर देखे तो एक रुपया खर्चा में एटलीस्ट 1.10 रुपया का सेल होगा या फिर 2 रुपया का होगा या फिर 10 रुपया का होगा। इस हिसाब से अगर हम लोग देखे तो एक सर्टेन टाइम में इनिशियल पार्ट में ROAS जो है वो चेंज होता है, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते हैं ज्यादा ऐड करते हैं और वही ऐड जब रीच हो जाता है हर किसी को पास जब पहुंच जाता है ये प्रोडक्ट के नाम या फिर प्रोडक्ट का जो डिटेल्स, तो इंसान अपने आप ही यह प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। FMCG के मामले में अगर हम लोग देखें तो पहला मंथ जो है उसमें ज्यादा ऐड होता है, दूसरा मंथ में थोड़ा सा घट जाता है, उसके बाद और घट जाता है, एक जगह जाके ऐड जो है वो बंद किया जाता है या फिर बहुत कम लिमिटेड दिया जाता है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अगर आपका प्रोडक्ट में दम है तो आपका प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिक बिकने लगता है। मगर जब मैं ये कंपनी का डेटा गो थ्रू कर रहा था उस टाइम में मुझे एक अजीब चीज देखा कि लास्ट 3 साल में ये कंपनी का जो डेटा है इसमें ROAS जो है वो 2.6 में स्टिक है, एक कांस्टेंट। मतलब अगर आप 1 रुपया का ऐड करते हो तो आपका जो सामान है वो 2.60 रुपए का सामान आपका बिकता है, 100 रुपए का ऐड किया तो 260 रुपए का सामान आप बिकते हो। ऐसा हो सकता है? आप सोचिए, सेम सेक्टर में जो दूसरा कंपनी है हर एक का अगर ROAS देखा जाए तो अलग है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नायका का। नायका का जो ROAS है 7.8, मतलब 1 रुपया का ऐड चला है तो भाई 7.8 रुपीज का उसका सामान बिकेगा। तो ये कंपनी जो है लास्ट कुछ साल से काम कर रहे हैं और उसके बाद इसका ये स्टेटस है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है भाई 3 साल से आपका ROAS जो है वो कम्प्लीटली एक जगह स्टिक है? तो ये जो डेटा है इसके पीछे कारण हो सकता है, एक आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, आपका प्रोडक्ट मैं देखता हूँ फिर खरीदता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे फिर से लेना है, दूसरा है आपका डेटा सही नहीं है, आप अपना कंपनी का जो डेटा हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो डेटा सही नहीं है। तो आप बोलेंगे भैया ऐसा थोड़ी होता है, और कुछ डेटा बताइए तब आपको ट्रस्ट करेंगे। सही बात है, और कुछ डेटा हम लोग देखे तो मेनली ये जो कंपनी है ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है ये ऑनलाइन सेल करता है। भाई ऑनलाइन सेल मतलब ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है ई कॉमर्स साइट जैसे कि अमेज़न या फिर दूसरे साइट में बेचता है। तो अगर हम इस कंपनी का पूरा बैलेंस शीट चेक करें तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका ई कॉमर्स में जो खर्चा है ये 4% है। भाई ई कॉमर्स में 4% में कौन सामान बेचता है? आज के डेट में अगर आप अमेज़न में सामान बेचना चाहेंगे तो आपके पास एटलीस्ट 12-15% का कमीशन लेता है अमेज़न। हो सके कि आपके साथ कोई अच्छा डील हुआ है और उसमें अमेज़न कहा है कि हाँ भाई आपको मैं स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। सही बात है, आपने बोला कि भाई बहुत अच्छी बात है आप मुझे स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हो। आप अगर 4% भी पकड़ लेते तो इस हिसाब से आपको अमेज़न लगभग 10% का डिस्काउंट दे रहा है कंपेयर टू अदर वेंडर। उस हिसाब से अगर देखे कल जाके अगर अमेज़न बोले कि भाई तेरा सामान मुझे नहीं बेचना है या फिर ये जो डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ ये डिस्काउंट मैं कंटिन्यू करूंगा नहीं, तो तब क्या होगा? तो आपका जो ये प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट आप 14 करोड़ शो कर रहे हो, ये तो रातों रात गायब हो जाएगा। या फिर अगर ऐसा कोई ई कॉमर्स साइट है वो अगर बोले कि भाई हम लोग आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है हम लोग अपना साइट से रिलीज कर रहे हैं, तब आपका सेल क्या होगा? ये 14% का जो आप प्रॉफिट दिखा रहे हो ये 14% कहां से आएगा? 14% कहीं भी नहीं रहेगा, पूरा रातों रात ये 14% जो है आपका वैनिश हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए यही अगर कंपनी जाके IPO लाता है और आप अगर वो IPO खरीदने के बाद आप सोच रहे हैं कि भाई इसका शेयर वैल्यू बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत सारा कुछ काम कर रहे हैं, सोशली इतना साउंडेड है, उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। भाई ग्रोथ कहाँ से होगा? भाई ना कंपनी के पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। कल जाके अगर जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो वेंडर अगर बैंकक्रप्ट हो जाता है या फिर उस वेंडर के पास दूसरा कोई वेंडर मिल जाता है या फिर उस वेंडर के पास दूसरा कोई क्लाइंट मिल जाता है जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उससे ज्यादा पे करेगा, तब वो वेंडर भी मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर देगा, आपका प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? रातों रात आपका जो प्रोडक्ट है पूरा गुम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो पब्लिक ये शेयर खरीदा है वो पब्लिक का क्या होगा? उसका पैसा पूरा गुम। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ये जो कंपनी है ये कंप्लीट और क्लियरली फ्रॉड कर रहे, एक ऐसा फ्रॉड जिसमें हम लोग का जो पैसा है, हम लोग जो नॉर्मल पब्लिक है हम लोग का जो पैसा है उसको उड़ा दे रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कभी भी अगर आप मार्केट पे इन्वेस्ट करो, मार्केट में बहुत सारा कंपनी है जो अच्छी तरह जो क्लीन एंड क्लियर बिजनेस कर रहे हैं और अपना जो बैलेंस शीट है वो कंप्लीटली शेयर कर रहे हैं, या फिर जो IPO ला रहे हैं उन लोगों का भी कंपनी का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, क्या फंडिंग मिला है, कितना प्रॉफिट में है, कब से काम कर रहे हैं, अपना खुद का जो प्रोडक्शन है वो अपना खुद का है या नहीं, ये सब जानने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए, ना कि सिर्फ एड देख के ये सब कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो आगे जाके आपका जो पैसा है उसको पूरा डुबो देगा। नॉर्मली क्या होता है जितना भी फाउंडर रहता है इस सब कंपनी में या फिर जितना भी इन्वेस्टर रहता है हर कोई चांस पे रहता है, जैसे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा अपना जो शेयर है वो बेच के निकल जाता है, साथ ही साथ जो पैसा डूबता है वो हम जैसे आम इंसान का। अगर आपको लगता है कि आप
आपका पैसा नहीं डुबोना है और आप इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन किए हैं तो प्लीज मुझे भी एक सब्सक्राइबर गेन करने का जो मौका है वो कर दीजिए। एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने से आपका जो दोस्त है वो भी बच पाएगा जो ऐसा खेल है जो चल रहा है, तो उसको भी एक वीडियो शेयर कर दीजिए। आगे आपको अगर कुछ भी जानना है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, वीडियो में लाइक कीजिए। कुछ भी जानना है हमेशा मैं अवेलेबल हूँ आपका कमेंट के लिए। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।